वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज वीनस कॉल्ड अर्थ्स इविल ट्विन। वीनस और अर्थ को ज्यादातर हम ट्विन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं और वीनस एंड अर्थ सोलर सिस्टम के इनर पार्ट से हैं। ये दोनों सोलर सिस्टम के एक ही हिस्से में पैदा हुए थे और एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, तो हर किसी का मानना है कि ये एक ही जैसे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वीनस और अर्थ इतना अलग हो गए? ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना यह है कि वीनस के साथ कुछ बुरा हुआ था, मगर मैं कहना चाहूँगा नहीं। एज पर माई प्रोस्पेक्टिव अर्थ के साथ कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज क्या हो रहा है वीनस पर? नाउ द वीनस इज ड्राइविंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट अंडर अ लार्ज थिक कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। और ये इतना ज़्यादा गर्म है कि आप वहाँ पर शीशा भी पिघला सकते हैं। एंड इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 900 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वीनस एक बहुत ही थिक क्लाउड लेयर्स से ढका हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 50 माइल्स तक थिक हैं। द क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ सल्फ्रिक एसिड, सो इट्स रियली डेंजरस बट इंटरेस्टिंग। तो साइंटिस्ट रियली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये एक ही जगह पर फॉर्म हुए थे और एक ही साइज के हैं तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसके लिए दो बड़ी एजेंसीज, दैट इज नासा एंड ईसा, दोनों इस पर काम कर रही हैं एंड जानने की कोशिश कर रही हैं कि वीनस इतना डिफरेंट क्यों है। वेल, तो हम अर्थ एंड वीनस को ट्विंस क्यों कहते हैं? सब इट्स द सेम पॉइंट। इट्स बिकॉज दोनों एक ही साइज के हैं एंड एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, मगर वीनस बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इस पर एक सेकंड भी जिंदा रह पाना मुश्किल है। सो दैट इज द रीजन दैट इट कॉल्स अर्थ्स इविल ट्विन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू सून। बाय बाय।